हेलो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ PKMKV चैनल से। आइए, जब भारत में गदर 2 रिलीज हुई है और 500 करोड़ का आंकड़ा उसने क्रॉस कर लिया है, आइए पाकिस्तान से जिसकी लड़की लेके गए हैं तारा सिंह जी, मुस्कान की अम्मी मिल गई है, मुस्कान की अम्मी से बात करते हैं हम। आइए आपको मिलवाता हूँ मुस्कान की बाजी। इतने इतनी आसानी से अपनी लड़की मुस्कान कैसे दे दी इंडिया में? आसानी से नहीं देते तो वो मार के ले जाते ना, इसलिए हमने चुपचाप दे दी है। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी लड़की इंडिया चली गई? हमें अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। हमने अपनी उम्मीद करी थी कि इस बार हमें ले जाएंगे, हमारे भाग खुलेंगे, लेकिन ये सोचा था कि वो आपको लेके जाएंगे। जी, लेकिन इस बार वो उसे हमारी लड़की पसंद आ गई तो वो उन्हें ले गए। मतलब वो आपको ही लेने आए थे पहले? हाँ, मैंने सोचा यही था। अच्छा, और बताइए आप मुस्कान के बारे में क्या सोचते हैं अभी? मुस्कान के बारे में, मुस्कान तो वहाँ खुश होगी, मौज में रह रही होगी। हम यहाँ पाकिस्तान में अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं और हमें लगता है आगे भी करवानी। और कुछ कहना चाहती हैं अपने लड़के? और तो इसके अब्बू ही कहेंगे। कहाँ है उसके? वो रहे हमारे शोहर। बुलाइए, उनको बुलाइए। मुस्कान के अब्बू, इधर आओ। चलिए दोस्तों, अभी आपने आपसे बात करवाई हमने मुस्कान की अम्मी से, अभी इनके अब्बू से बात करवाते हैं। आइए। हाँ जी, आप मुस्कान के अब्बू हैं? ये पता नहीं आके मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। उल्टे सवाल नहीं, मेरे बेगम पे गंदी नजर है क्या तुम्हारी? हाँ, आप मुस्कान के अब्बू हैं? हाँ जी, मैं मुस्कान का अब्बू हूँ। आप ये बताइए, आपकी लड़की को लेके चले गए तारा सिंह जी, पिछली बार सकीना को लेके चले गए थे, इस बार आपकी लड़की मुस्कान को लेके चले गए, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्यों, आपकी लड़की को कोई भगा ले गया, आपको अच्छा फील हो रहा है? और जब हमारे चूतड़ पीट के लेके जाता जब बहुत बुरा फील होता, बैठने को भी डर जाते हम। मतलब अर्थवाली को हमने देखा है, उनके चूतड़ों में नलका चढ़ा दिया था उसने। अपनी बेटी से क्या तुम्हारी चूतड़ है तुम्हारे लिए? मेरी बेगम को भी पेल देता, वो बहुत खतरनाक आदमी है। तो तुम तो वैसे ही पिलवा लेते हो ना? नहीं, हिंदुस्तानी होते हम अपनी बेगम को नहीं पिलवाएंगे। लोंडिया पिलवा दी बात अलग है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी। सोच तो कुछ नहीं, अपने देश का भला चाहा है। देश का भला क्या हुआ इसमें? देश का भला ये हुआ, पिछली बार पाकिस्तान कितना पेला, इतना पेला। अब पूरी गदर 2 में लोंडिया के ऊपर कोई लड़ाई नहीं हुई है। मुस्कान मैंने राजी राजी दे दी। तुम ये बताओ, तुम्हारी कौन नहीं पेल रहा है? पूरी दुनिया तुम्हारी तुम्हें पेल रही है। पूरी कोई दिक्कत नहीं है, पेल रही है पाकिस्तान पे। पिल जाएंगे, सन्नी पाजी का पिलना बहुत भारी पड़ जाता, हमारी बेगम उठ नहीं पाती। अब मुस्कान का फोन आ रहा है, हमें पता है कैसे कैसे रख रहे हैं। अब पूरी पाकिस्तान की जनता तुम्हें मारेगी फिर? भैया, हम पिट लेंगे, हम सन्नी पाजी को बुलाएंगे, जब पता लगेगी ना हम सन्नी पाजी के ससुराड़िए हैं। हिंदुस्तान में इतना खौफ है उस आदमी का कि पाकिस्तान में कोई हाथ लगा सकता हमारा। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे गदर 2 ने 500 करोड़ पार किया। मुस्कान के अब्बू अम्मी इतने डरे हुए हैं? डरे हुए नहीं है हम क्यों डरे? तो आपने बोला डरे हुए हो। डरे हुए नहीं है, हमारे जमाई है वो, इज्जत से नाम लीजिए, सन्नी पाजी नाम है उनका। हाँ, आपको अशरफ अली जैसा नहीं समझा था, हमें लगा था आप अपनी बेटी नहीं देंगे। जनाब, आप मुझे एक बात बताइए, पिछली बार पानी को तरसा दिया सन्नी पाजी ने, इस बार बिजली के खंभे फाड़ दिए। अगर मैं लोंडिया ना देता तो उनका लड़का पता नहीं क्या क्या करता। तो इस टाइम बिजली भी नहीं आ रही पाकिस्तान में, तो सोचो अगर मैं लड़की ना देता तो फिर क्या होता? लुगाई दे देते। लुगाई? मैं तो तैयार थी, इन्होंने ना भेजी। ये तो लुच्ची और रांड है। नहीं, बेटी तो सलामत रहती। मैं किसे पेलूंगा बेटी को? नहीं, तुम्हारे यहाँ चलता है? चलता तो है, पर इतना थोड़ी ना पाकिस्तान में चलता है ये सर। नहीं बाबूजी, आप गलत कह रहे हो, बेटी मैंने पेल दी थी पहले ही, जब तो मैंने दे दी। ये बात है, तो सच्चाई है। देखा आप लोगों ने कैसे गदर 2 ने 500 करोड़ कमाए पाकिस्तान के। इतनी मुस्कान की जो अम्मी अब्बू है उनको इतना खौफ है। ये बात समझ में नहीं आती, जब पाकिस्तान में सन्नी पाजी बैन है तो बार बार लोंडिया लेने क्यों आते हैं? वो बार बार आएंगे, 1000 बार आएंगे, 2000 बार आएंगे, तुम्हारे बस की हो, तुम रोक लेना, तुम्हारी लुगाई भी लेके जाएंगे वो। जनाब, आप थोड़ा ध्यान रखना, कभी पोता आपकी लड़की ही ले जाए, सन्नी पाजी है वो, हमारी भी ले जाएगा, आपकी लेके जाएगा, आपकी लुगाई लेके जाएगा। सन्नी, मैं सन्नी पाजी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं सन्नी पाजी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस बार ससुराल आए तो सिर्फ कोथली लेने आए, लोंडिया ना लेके जाए, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने सन्नी पाजी का कितना खौफ है, वो सिर्फ आते हैं और लोंडिया लेके चले जाते हैं, खंभे गाड़ के ले, खंभे उठा के ले जाते हैं, कभी नल उखाड़ के ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस टॉपिक पे हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। धन्यवाद।